सूजी के दानेदार हलवा बनाने के लिए हमने एक पैन रखा है चूल्हे में। एक कप हमने सूजी लिए, इसको हमने ड्राई ही रोस्ट करना हिलाते हुए। चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि कहीं से लगे ना। हलवा तो हर भी बना लेता है, सबकी अपनी अपनी टिप्स हैं, माओ ने सिखाया हुआ है। मैं आज अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये ड्राई को रोस्ट करने से ये होता है, इसका एक एक दाना अलग हो जाता है और बहुत अच्छा सा हलवा बनता है। रबीउल अव्वल का महीना है, लोग खूब नजरों नियाज करते हैं, हलवा बनाते हैं, एक दूसरे के घरों में भिजवाते हैं, गरीब गुरबा में तकसीम करते हैं, दोस्त अहबाब में तकसीम करते हैं। ये सब अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम सुन्नत रसूल पे अमल करें, अपनी ज़िंदगी में सुन्नतों को प्रैक्टिस में लाएं। सिर्फ हलवा खाने से नहीं, सुन्नत रसूल पे अमल पैरा हों, दुरूद शरीफ का जिक्र अज़कार करें, ये सबसे ज़रूरी है। 4 से 5 मिनट हो गए, अच्छी सी खुशबू आ रही है, अब हम इसको निकालेंगे। एक कप सूजी है, एक कप ही हमने घी लेना है, उसमें से 2 चम्मच अभी मैं डाल रही हूँ पैन में। सेम पैन है, इसमें हमने कुछ नट्स डालने हैं, बादाम है और किशमिश है। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करके मैं निकाल लूँगी। कोशिश करें देसी घी या फिर घी में हलवा बनाएं, उससे जायका बहुत अच्छा आता है। बनने को तो कुकिंग ऑयल में भी बन जाएगा, लेकिन घी या देसी घी में अपना ही टेस्ट है। नट्स फ्राई हो गए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसको हमने निकालना है। सेम पैन में अब हमने घी डालना है 1 कप। मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, 1 कप सूजी है तो 1 कप ही हमने घी डाला है। घी गर्म हो रहा है, सूजी को भी इसमें डालेंगे और अब इसको दोबारा घी में भूनेंगे। मीडियम आंच पे इसको हमने अच्छी तरह हिलाते हुए पकाना है। इसको हम भून रहे हैं घी के अंदर। ऐसा दानेदार हलवा बनेगा, सब पसंद करेंगे। इसको हमने थोड़ा सा इसका कलर लाना है, इतनी देर भूनेंगे। चम्मच मुश्किल चलाते हुए हमने इसको भूनना है। अब हम इसमें 3 इलायची शामिल करेंगे, खोल के। 3 इलायची काफ़ी हैं। सेम कप से हमने इसमें चीनी शामिल करनी है। हलवे में मेजरमेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है, आपने 1 ही कप लेना है जिससे आपने चीनी घी और सूजी को मेजर करना है। उसी कप से हम दूध और पानी भी शामिल करेंगे। चीनी मिक्स हो जाए फिर हम दूध डालेंगे। अगर आपको बाजार की तरह पसंद है तो दूध में चुटकी भर ज़्यादा कलर भी डाल सकते हैं। चीनी मिक्स हो रही है, फूड कलर ऑप्शनल है, मैं नहीं डालती, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और दूध शामिल करेंगे। बाजार वाले हलवे में वो सिर्फ पानी ही शामिल करते हैं, लेकिन मैं साथ 1 कप दूध शामिल कर रही हूँ, इससे इसका टेस्ट आप वाजे तौर पर फ़र्क महसूस करेंगे खाली पानी शामिल करने की बजाय। इसलिए टोटल मुझे 4 कप चाहिए, 1 कप मैं दूध डालूंगी और 3 कप पानी डालूंगी, कप वही सेम है। बिस्मिल्लाह। अब हम पानी शामिल करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसमें हमने चम्मच चलाते रहना है, अब ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होगा। आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो गया, इसको हमने अपने हिसाब से रखना है, ज़्यादा सख्त अच्छा नहीं लगता, इसको हमने ज़रा पतला ही रखना है। चम्मच हमने हिलाते रहना है ताकि कहीं से भी नीचे ना लगे। अब हमने इसमें फ्राई किए हुए नट्स भी डाल देने हैं।
ये देखिए हलवा हमारा गाढ़ा होता जा रहा है। कुछ जब हम इसको बंद करेंगे तो थोड़ा ठंडा हो गया, थोड़ा और गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन सख्त नहीं होएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सख्त हलवा अच्छा नहीं लगता, सॉफ्ट ही अच्छा लगता है। ये काफ़ी, अब हम इसको बंद करते हैं। हलवा हमारा रेडी है, ये देखिए सॉफ्ट हलवा रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करें, दाल हलवा बनाए। ये देखिए दूध डालने की वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया है। मेजरमेंट का ख्याल रखना इसमें ज़रूरी है, अगर एक दफ़ा हमें सही मेजरमेंट हो तो हलवा बहुत अच्छा बनता है। डिश में निकाल दें, बारीक कटे हुए नट्स इसके ऊपर डालेंगे। चलें जी हलवा रेडी।